तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन पर। रात में हम लोग निकले थे देवघर से और सुबह हम लोग बनारस आकर पहुंचे हैं। ज्यादातर कांवरिया सावन के इस माह में बाबा काशी विश्वनाथ जी को भी जल चढ़ाने के लिए यहां पर उतरते हैं। मैं पहली बार बनारस आया हूं, इसलिए मुझे काफी एक्साइटमेंट हो रही है बनारस देखने की। फिलहाल अभी हम लोग हैं बनारस के रेलवे स्टेशन पर और ये रेलवे स्टेशन बहुत ही साफ सुथरा और खूबसूरत लग रहा है देखने में। बहुत सारी फैसिलिटीज भी यहाँ पर दी गई है, सीढ़ियाँ, एवलेटर और लिफ्ट जैसे जो है फैसिलिटीज यहाँ इस रेलवे स्टेशन पर दी गई है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में। जब से बाबा काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनाया गया उसके बाद से आसपास की जितनी भी चीजें थी उन सबको भी सुंदरीकरण और साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा जी के घाट पे, तो यहाँ से हम लोग अभी ऑटो करेंगे और उसके बाद घाट पे जाएंगे जहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे, क्योंकि अब पैदल चला नहीं जा रहा है इसीलिए हम लोग ऑटो जरूर करेंगे। ये भैया हमारे आ गए हैं ऑटो वाले, जो हम लोगों को गंगा घाट के किनारे तक ले जाएंगे। और ये सामने का व्यू देख रहे हैं आप रेलवे स्टेशन का, काफी खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बना हुआ है। मैं पहली बार बनारस आया हूँ इसीलिए मुझे हर चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही नया लग रहा है सब कुछ देखने में, सिर्फ जाम को छोड़ करके, क्योंकि जाम हर सिटीज में लगती है तो यहाँ पर भी जाम की दिक्कत आपको होगी। और फिलहाल भैया ने को यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि अब यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना होगा, क्योंकि गाड़ियाँ जाने के लिए रास्ते बंद कर रखे हैं पुलिस वालों ने। और फिलहाल हम लोग हैं अभी गोदलिया चौराहा के पास और यहाँ का पान काफी फेमस है। हालांकि बनारस का पान वैसे भी काफी फेमस है लेकिन खास करके यहाँ का पान बहुत ही ज्यादा फेमस है। और हम लोगों ने यहाँ पर अपने कपड़े उतार दिए हैं और गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए गंगा जी के पास जा रहे हैं। सुल्तानगंज की तरह यहाँ पर उतनी भीड़ तो नहीं दिख रही है लेकिन यहाँ पर भी भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। काफी दूर तक ये घाट फैला हुआ है इसलिए लोग यहाँ पर बटे हुए हैं, इकट्ठा लोग है नहीं इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ दिख नहीं रही है, लेकिन भीड़ वाकई बहुत है और ये घाट वाकई बहुत खूबसूरत है। हम लोग यहाँ पर काफी एंजॉय किए, नहाया, डुबकी लगाई। गंगा जी का बहाव काफी तेज था इसलिए हम लोग काफी अंदर गए नहीं और फिर नहा धो करके फिर हम लोग पंडा के पास आ गए। बाबा विश्वनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, उनको चढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर गंगा जल को भरा है तो उसी की पूजा होगी, फिर उसके बाद उस जल को बाबा विश्वनाथ जी के ऊपर चढ़ाना होता है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बनारस की पतली गलियों में। यहाँ पर हमें कुछ लोकल्स मिल गए हैं जो डायरेक्ट हमको गेट तक लेकर के जा रहे हैं, जिसके बदले हमें उनसे प्रसाद लेना होता है। चूंकि लाइन बहुत लंबी है इसलिए हम लोगों को ये सही लगा और हम लोग अपना अपना जल ले करके बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ गए और मोबाइल लॉकर्स में जमा हो जाने के कारण ये ब्लॉग भी यहीं तक ही रह गई।